जिले में किसानों को खाद के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाद की कमी से अन्य दुकानों से लेने मजबूर हैं, जिस काला बाजारी जोरों पर है। कृषि विभाग निरंतर किसानों को खाद मुहैया कराने की जद भिड़ा रहा है। दुर्ग जिले में किसानों को खाद के लिए बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाद की कमी से कृषक अन्य दुकानदारों से लेने मजबूर हैं, जिससे कालाबाजारी जोरों पर है। वहीं कृषि विभाग निरंतर किसानों को खाद मुहैया कराने की जुगत भिड़ा रहा है, साथ ही कालाबाजारियों पर नकेल कसने लगातार कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग जिले के 3 ब्लॉक दुर्ग, धमदा और पाटन में यही हालात बने हुए हैं। किसानों को समितियों से खाद मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन समितियों में खाद उपलब्ध नहीं होने पर निजी खाद दुकानों के भरोसे महंगे दामों पर खरीदना अब मजबूरी बन चुकी है। जिला कलेक्टर भी लगातार खाद की कमी को दूर करने राज्य स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। दुर्ग जिले में यूरिया सहित सभी खाद की प्रमुख कमी देखी जा रही है। विभागीय अधिकारी की माने तो 17 फरवरी तक 1000 टन यूरिया की उपलब्धता होने वाली है, जिससे किसानों की तकलीफ कुछ कम हो जाएगी। जिले में खाद का जो लक्ष्य निर्धारित था, उससे कहीं कम खाद उपलब्ध हो पाया है अथवा नहीं। जिले में 8500 टन सभी प्रकार के खाद का लक्ष्य रखा गया था, जिसके एवज में 4668 टन भंडारण उपलब्ध था। इसके तहत 4206 टन खाद का वितरण किसानों को समितियों के माध्यम से किया जा चुका है। वहीं 462 टन खाद विभिन्न समितियों से बची हुई है। इसके अलावा 1000 टन अनाज शेष है। जिले में हुई कार्रवाइयों में अब तक महज पाटन की एक दुकान में अधिक दाम में खाद बेचते पाए जाने का प्रकरण बना है, जिस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में उप संचालक कृषि विभाग के SS राजपूत ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। खाद अभी कमी तो है, इसमें हम लोगों को इस साल 8500 मैट्रिक टन का लक्ष्य था, जिसमें आपका 4668 मैट्रिक टन हमारे यहाँ भंडारण हो गया है और 4206 मैट्रिक टन वितरण भी हो गया है। यूरिया खासकर यूरिया की शॉर्टेज चल रही है, उसमें अभी आता जा रहा है, भंडारण हो रहा है। अभी आज ही हम लोग 1000 मैट्रिक टन की मांग दिए हैं और ये रैक संभवतः 17 तारीख को लगने वाला है यूरिया का, तो आता जा रहा है, भंडारण होता जा रहा है। हाँ, शिकायत मिल रही, लेकिन हमारी टीम लगातार तीनों ब्लाकों में निरीक्षण कर रही है और अभी एक जगह केवल पाटन में हमको पकड़ाया है, मिला है ज़्यादा रेट में, तो उसकी जब्ती भी किए हम और उसको जब्ती करके उसका राजसात करके उसको जमा उसको बेच के शासन खजाने में जमा भी करेंगे। और ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।